हेलो एवरीवन, जिस प्रकार हम लोगों ने कल पढ़ा गवर्नमेंट फाइनेंस में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को, तो कुछ क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। जैसे कि कुछ एग्जामिनेशन किसके क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि इन इंडिया फिस्कल पॉलिसी डिसाइडेड बाय, ये क्वेश्चन लगभग हर एक स्टेट में, चाहे BPSC हो, चाहे JPSC हो, छत्तीसगढ़ हो, MP हो, UP हो, लगभग हर एक स्टेट के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया कि फिस्कल पॉलिसी जो है इंडिया में कौन डिसाइड करता है या कौन हमारे यहाँ बनाता है। जैसा कल हमने पढ़ा था तो आपको हमने बताया भी था कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो जो बनता है वो हमेशा बनाया जाता है हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा। तो ऑप्शन तो ऑब्वियसली ये सही होंगे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री मेरा आंसर होगा, बट जो जो ऑप्शन दिए हुए हैं उस पर भी जान लें। जैसे पहला है प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन के द्वारा, प्लानिंग कमीशन जो बनाती है अपनी योजनाएं वो फिस्कल पॉलिसी नहीं बनाती है। फिस्कल पॉलिसी में एक पार्ट है उनका कि वो खर्च किन किन चीज़ों पे करेगी, वो अपना सिर्फ प्लानिंग करती है। आप उसको और बेहतर जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 के बाद से प्लानिंग कमीशन ने अपना काम करना भी बंद कर दिया और इसकी जगह हमारे यहाँ आ गया नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन इसका आंसर कभी नहीं होता। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे पॉलिटी में तो पढ़ेंगे आपके, फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि जितना टैक्स सरकार जमा करती है उस टैक्स का बंटवारा राज्यों और केंद्र के बीच में, यानी फाइनेंस कमीशन का जो वर्क है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेज बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन का काम क्या है। इसका काम है फाइनेंस कमीशन का कि जो टैक्सेज सरकार जमा करती है उस टैक्सेज को किस रेशियो में बांटा जाए स्टेट और सेंटर के बीच में। नेक्स्ट तो फाइनेंस मिनिस्ट्री आपको पता ही चल गया, और लास्ट है ऑप्शन RBI। RBI भी पॉलिसी बनाती है बट फिस्कल पॉलिसी नहीं बनाती है। RBI जो बनाती है वो बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति। तो RBI पैसे की नीति बनाती है कि हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है अपनी, ना कि फिस्कल पॉलिसी। तो इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के कई बार पूछा गया है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि इन इंडिया आपका इकोनॉमिक जो एनुअल इकोनॉमिक सर्वे होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो जब हमारा फिस्कल पॉलिसी बना रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री तो ऑब्वियसली सर्वे का काम भी कौन करेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ही करेगी। तो आपको इन चारों के कार्यों को जानना चाहिए कि प्लानिंग कमीशन क्या काम करती है, फाइनेंस कमीशन क्या काम करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम क्या क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम लोग बजट कहते हैं वो भी पेश फाइनेंस मिनिस्ट्री ही करती है, RBI का काम है मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना, देश में किस प्रकार मौद्रिक नीति काम करेगी उसे बनाने का काम रहता है RBI का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है, जो कल हम लोग पढ़ रहे थे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शंस है RBI, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री या फाइनेंस कमीशन। तो इसी क्वेश्चन का ये दूसरा रूप है, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, केवल बात वही पूछी गई है फिर से कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, जब हमारा सारा फिस्कल पॉलिसी फाइनेंस मिनिस्ट्री तैयार कर रही है तो फिस्कल पॉलिसी में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें दो तरह के काम है, एक है कि किस प्रकार से आप अपने देश में पैसे को लाते हैं और दूसरा है किस प्रकार से उसको खर्च करते हैं। तो जब दोनों पॉलिसी बनाने का काम फाइनेंस मिनिस्ट्री का है तो ऑब्वियसली पब्लिक एक्सपेंडिचर को कंट्रोल भी कौन करेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री ही करेंगे। तो ये आपका आंसर सही होगा। फिर इसी से क्वेश्चन एक और लिया गया कि फिस्कल पॉलिसी कौन, विच इज द पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में कौन सा पॉलिसी बनता है। पहला है प्रोडक्शन पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी या इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। मींस क्या है कि पहला क्वेश्चन जो बोला कि उत्पादन की नीति जो है वो बनेगा फिस्कल पॉलिसी में, दूसरा टैक्स की पॉलिसी कि किस प्रकार से टैक्स लिया जाए ये पॉलिसी बनेगी, थर्ड है फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति हमारी क्या होगी, और चौथा है इंटरेस्ट रेट पॉलिसी कि कितने इंटरेस्ट रेट पर हम लोन लेंगे या देंगे। तो आपको पता होना चाहिए, कल जब हमने क्लास में बताया था कि फिस्कल पॉलिसी में काम ही है किस प्रकार से पैसे को लाया जाए और किस प्रकार से पैसे को खर्च किया जाए, इसी के पॉलिसी को हम लोग कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो ऑब्वियसली इसमें कौन सा आएगा, आपका टैक्स पॉलिसी आएगा कि कितना प्रकार का टैक्स लेना है, कितना टैक्स लेना है, यानी पैसे को लाने की पॉलिसी जो है वो है आपकी टैक्स पॉलिसी।
जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जामिनेशन से ही रिलेटेड हैं, यूपीएससी के हो या स्टेट पीसीएस के हो। तो जितना टॉपिक कल हम लोग पढ़े उसी को केवल ये दिखाया जा रहा है कि आपको पार्ट बाय पार्ट हर एक टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार से एग्जामिनेशन में आएंगे वो भी आपको देखना है। लास्ट क्वेश्चन जो लिया गया है ये एग्जामिनेशन यूपीएससी के हैं, ये यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं। यूपीएससी में पूछा गया था विच आर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, आपको ऑप्शंस दिए हुए थे सब्सिडी है, इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस एक्सपेंडिचर या मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ लास्ट प्लान एक्सपेंडिचर। तो ये चार हैं ऑप्शंस हैं, एक दो होंगे, एक तीन, दो चार या चारों। तो कल जब हमने इसको बहुत विस्तार से समझाया था, अगर आप कल का क्लास मिस किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, आप उसे देख लें ताकि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो कल हमने बताया था कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। नॉन प्लान होते हैं जो रेकरिंग इन नेचर होते हैं, जो प्लानिंग कमीशन के अंदर नहीं आते हैं। तो उसमें हमने बताया था आपको कि जितना सब्सिडी हम लोग पे करते हैं वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट जो हम लोग पे करते हैं लोन के अगेंस्ट में वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, डिफेंस एक्सपेंडिचर के विषय में विशेष चर्चा हमने कल किया था ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, लास्ट वाले को थोड़ा देखना चाहिए कि मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस पर हम खर्च कर रहे हैं, किसके मेंटेनेंस पर, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है लास्ट प्लान एक्सपेंडिचर में, मतलब लास्ट प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो योजनाएं ली गई ऑब्वियसली वो योजनाएं कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होंगी, क्योंकि प्लानिंग कमीशन का योजना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने पर जो खर्चा हो। तो आपको हमने कल बहुत डिटेल में समझाया था कि आपके पास दो तरह के एक्सपेंडिचर रहेंगे, कैपिटल और रेवेन्यू। रेवेन्यू वाला क्या रहता है, हमेशा मेंटेनेंस के लिए ही रहता है, तो ये मेंटेनेंस के लिए एक्सपेंडिचर है, ऑब्वियसली ये भी आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में ही जाएगा। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो लास्ट वीडियो को जरूर देख लें, उसमें इसके विषय में काफी चर्चाएं की गई थी। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने शायद 14 में या 17 में पूछा था, तो ये क्वेश्चन है। फिर इसी क्वेश्चन को फिर यूपीएससी ने ही पूछा दोबारा, कुछ ऑप्शंस बदल दिए जाएंगे, फिर क्वेश्चन वही था, इन यूनियन बजट विच आर द फॉलोइंग आर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। फिर से वही क्वेश्चन है कि आपके बजट में नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में कौन कौन से आएंगे, डिफेंस एक्सपेंडिचर जिसको आपको कल हमने रटवाया था कि ये आपका जब भी होगा तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होगा, इंटरेस्ट पेमेंट नॉन प्लान है, सैलरी एंड पेंशन नॉन प्लान है, सब्सिडी नॉन प्लान है, तो चारों के चारों आपके यहाँ पर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ही दिए हुए थे। तो जो क्लासेज चल रहे हैं उन क्लासेज के बाद इन क्वेश्चंस को लाने का यही कि एक मतलब है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर ही पढ़ाया जा रहा है कि आपके क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, और उन्हीं चीज़ों को क्लासेज के रूप में कन्वर्ट करके आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, कल जिस प्रकार हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, आज हम लोग क्लास करेंगे अपना रिसिप्ट बाय द गवर्नमेंट, यानी कि आपकी गवर्नमेंट पैसे खर्च करने के लिए कहां कहां से पैसे लाती है, क्या क्या उसके सोर्सेस हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट में जितने प्रकार की गवर्नमेंट रिसीव करती है मनी जिस भी सोर्स से करे, वो सारे सोर्सेस से प्राप्त जो उसका पैसा है उस पैसे को हम लोग कहते हैं रिसिप्ट ऑफ द मनी। तो वो दो तरह के हो सकते हैं, रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा जो है वो है कैपिटल रिसिप्ट। तो दो तरीके से रिसिप्ट हम लोग यहां पर गवर्नमेंट प्राप्त, जिस पर खर्चे में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो प्रकार के खर्चे करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसी प्रकार से प्राप्ति जो उनकी है वो भी दो प्रकार की है, या तो रेवेन्यू से प्राप्त होगा या कैपिटल से प्राप्त होगा, और दोनों को सम कर देंगे तो डेट इज कॉल्ड टोटल रिसिप्ट बाय द गवर्नमेंट। तो हम लोग पहले जानेंगे रेवेन्यू को, किसको कहेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसिप्ट कहने का मतलब है कि ये इस प्रकार का पैसा सरकार प्राप्त करे कि वो सरकार पे लायबिलिटी के रूप में ना हो। मींस क्या है कि हम जो पैसा लिए वो फिर मेरा है, उसके अगेंस्ट में हमको फिर कुछ देना ना पड़े। जैसे कि एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स लेती है,
तो गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है तो क्या टैक्स के बदले में उन्हें कुछ देना है? ये चलिए इसको और साइड करते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट लोन ली, या मान लीजिए कि गवर्नमेंट किसी से आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से लोन ली, तो गवर्नमेंट को उस लोन के अगेंस्ट में कुछ पे करना है। यस, उसे पे करना होगा, उसका इंटरेस्ट पे करना होगा, और कभी ना कभी उस लोन को रीपेमेंट भी करना होगा। लेकिन क्या सेम चीज इनकम टैक्स अगर गवर्नमेंट वसूलती है तो क्या इनकम टैक्स लेती है तो उसके बदले सरकार को कुछ पे करना है? क्या नहीं करना है? तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है वो होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर फिर कोई लायबिलिटी ना बने। यानी कि ये लिख सकते हैं इसमें हम लोग, डज नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटीज ऑन गवर्नमेंट। ये कभी भी रेवेन्यू रिसिप्ट कभी भी गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटीज नहीं है, जबकि कैपिटल रिसिप्ट जब भी होगा तो ये लायबिलिटीज होगा। मतलब हम जो पैसा लिए उस पैसे के अगेंस्ट में हमको पे करना ही पड़ेगा। तो रेवेन्यू और कैपिटल को समझने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि जब आप कोई सोर्स से पैसा ले रहे हैं तो आप इतने दिमाग में लगाइए, अपना कॉन्सेप्ट बनाइए कि क्या उस पैसे के अगेंस्ट में गवर्नमेंट को कुछ पे करना है। क्या गवर्नमेंट कहीं से बंध गई? अगर बंध जा रही है तो कैपिटल रिसिप्ट है, नहीं बंध रही है तो रेवेन्यू रिसिप्ट है। उसी तरीके से इसमें और आप कह सकते हैं कि ये रेगुलर रहेगा। मतलब क्या हुआ, ये एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर आपको मिलता रहेगा। रेवेन्यू का डिफिनेशन ही करने हमने बताया था, ये रिकरिंग इन नेचर होता है। तो टैक्सेस जो है वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा, ये रेगुलर एक प्रकार का सोर्स है जो आपके पास हमेशा आता रहेगा। जबकि कैपिटल कैपिटल रिसिप्ट जो है ये सर्टेन नहीं होता है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये आपको प्राप्त हो ही जाएगा, ये आपको नहीं भी मिल सकता है। लेकिन रेवेन्यू का डिफिनेशन ही है कि ये आपको रेगुलर मिलता रहेगा। फिर ये जो है किसी भी प्रकार से नॉट रिप्रेजेंटिंग बोरोइंग, ये बोरो नहीं है, मतलब ये किसी प्रकार का कर्ज नहीं है। जबकि ये जो है ये कर्ज हो सकता है, ये कैपिटल रिसिप्ट जो है वो कर्ज हो सकता है, रेवेन्यू रिसिप्ट कर्ज नहीं होगा। मतलब आपको अब अपने रिसिप्ट्स को बांटना रहे दो पार्ट में कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन से हैं और कैपिटल रिसिप्ट्स कौन से हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहने चाहिए। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब वो गवर्नमेंट पर लाइबिलिटी नहीं होगी, दूसरा बात वो कहीं से भी बोरोइंग नहीं होगा, तीसरा वो रेगुलर रहेगा, वो आपको एक फिक्स टाइम इंटरवल पर आपको मिलता रहेगा। जबकि कैपिटल रिसिप्ट ये एक प्रकार की लायबिलिटी रहेगी गवर्नमेंट के सर पे हमेशा, कि गवर्नमेंट को ये हमेशा पे करना या रीपे करना होगा। दूसरा ये सर्टेन नहीं हो सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है कि किस इंटरवल पर कितना मिलने वाला है आपको। और लास्ट जो है ये एक प्रकार का कर्ज ही रहेगा। तो अगर हम पूरे ओवरऑल टोटल रिसिप्ट की बात करें तो टोटल रिसिप्ट में लगभग 90% रिसिप्ट जो गवर्नमेंट की होती है वो 90% रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, जबकि 10% रिसिप्ट जो होता है वो होता है कैपिटल रिसिप्ट। कल का क्लास याद कीजिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम पढ़े थे तो 30% कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है और 70% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहता है। ये इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा बजट पर, जब हम लोग डिफिसिट पढ़ेंगे, फिस्कल डिफिसिट, बजट डिफिसिट, तो आपको ये सारे चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी कि रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के बीच में क्या रिलेशनशिप है और हम लोग किस प्रकार से बजट डिफिसिट पढ़ते हैं या फिस्कल डिफिसिट पढ़ते हैं, तो वो हमारा अगला क्लास रहेगा। तो फिलहाल हमारा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ दो तरह का है, रेवेन्यू रिसिप्ट होगा और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट होगा। आगे हम देखते हैं कि इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट में कौन कौन से रिसिप्ट आएंगे और कैपिटल रिसिप्ट में कौन कौन से रिसिप्ट आएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट को। रेवेन्यू रिसिप्ट में आपको दो तरह के मिलेंगे, एक रिसिप्ट जो होगा वो है टैक्स रिसिप्ट, एक जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें वो है टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, और दूसरा जो है वो है नॉन टैक्स।
तो जो पहला है टाइप है वो है टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब बाय द टैक्स आपको कितना रेवेन्यू आता है। तो आप जानते हैं टैक्सेज में दो प्रकार के टैक्स हम लोग पढ़ते थे, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। तो दोनों टैक्सेज, दोनों प्रकार के टैक्सेज का सम, जो टैक्सेज के माध्यम से आपको पैसा आया, जो टैक्सेज के माध्यम से रिसिप्ट आया, दैट इज कॉल्ड टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। ऑब्वियसली आपको दिमाग में बैठाना चाहिए टैक्स आपका कौन सा होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट ही होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम पे आता है, टैक्स के बदले सरकार को कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, और तो और सबसे अच्छा है ये किसी प्रकार का कर्जा नहीं है। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट में हम लोग पहला टाइप जो पढ़ेंगे वो है टैक्स। तो इसके लिए हम लोग अलग से एक क्लास देंगे जो केवल टैक्सेज को पढ़ाया जाएगा, अभी हम लोग रिसिप्ट के टाइप्स को केवल देखना चाह रहे हैं। तो रिसिप्ट के टाइप में पहला टाइप जो हो जाएगा आपका हो जाएगा टैक्स रेवेन्यू और दूसरा है नॉन टैक्स। तो नॉन टैक्स में कौन कौन से रिसिप्ट्स आएंगे, नॉन टैक्स में क्या क्या आएंगे वो देखते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू में हम लोग जो पहला है वो पढ़ेंगे कि टैक्सेज के अलावा क्या क्या गवर्नमेंट की रिसिप्ट हो सकते हैं। पहला जो है वो है प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स। प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स कहाँ से आएंगे सरकार के पास, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से प्रॉफिट होगा या हिस्सेदारी होगी। तो गवर्नमेंट, आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है, PSU जिसे हम लोग कहते हैं, तो गवर्नमेंट अपना शेयर लगाती है बहुत सारे अंडरटेकिंग पर। जैसे कि आपको पता होगा कि आपके पास मिनी रत्न महारत्न कंपनियां हैं, सेल है, गेल है, बहुत सारी कंपनियां, NTPC है, तो गवर्नमेंट का शेयर भी उसमें रहता है जिस कारण से वो अंडरटेकिंग कहलाती है। तो अगर वो कंपनियां कोई प्रॉफिट कमाई तो उस प्रॉफिट में चूंकि गवर्नमेंट का भी शेयर है तो वहां से उसकी हिस्सेदारी के रेशियो में जो प्रॉफिट कमाती है वो कंपनियां, वो अपने प्रॉफिट में उसी रेशियो में पैसे को सरकार को भी पे करती है। तो नॉन टैक्स में क्या आएगा आपके पास कि प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स जो गवर्नमेंट अपने PSU से कमा रही है। दूसरा इंटरेस्ट, आपको पता है पहले से, कल भी हमने पढ़ा इस पर एक्सपेंडिचर में कि हमारी सरकार लोन देती है, जब लोन देगी तो लोन के अगेंस्ट में उसे इंटरेस्ट आएगा, तो जो भी इंटरेस्ट आए, अगर इंटरनली लोन दी स्टेट्स को UTs को तो वो इंटरनली उसे पैसे आएंगे, अगर एक्सटर्नली दी IMF को, वर्ल्ड बैंक को, दूसरी फॉरेन कंट्रियों को तो वहाँ से भी पैसे आएंगे। यानी इस केस में इंटरेस्ट जो सरकार कमाती है वो आपका जाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में। और आपको ध्यान क्या देना है, इस प्रकार के रिसिप्ट्स में गवर्नमेंट डोमेस्टिक मनी भी कमाती है और फॉरेन करेंसी भी लेती है। क्यों? क्योंकि IMF पे करेगी तो फॉरेन करेंसी में पे करेगी, दूसरे देश के जब पेमेंट इंटरेस्ट पेमेंट आएंगे तो वो दूसरे देश के करेंसी में आएंगे, तो इसमें डोमेस्टिक एंड फॉरेन दोनों करेंसी के रूप में गवर्नमेंट रिसिप्ट प्राप्त करती है। तीसरा जो है वो है आपका फिस्कल सर्विसेज। गवर्नमेंट जो है अपनी जो फिस्कल सर्विसेज है उससे भी पैसे कमाती है। जैसे फिस्कल सर्विसेज में क्या क्या आएंगे आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपका करेंसी प्रिंटिंग, स्टाम्प प्रिंटिंग, आपको पता है कि गवर्नमेंट स्टाम्प पेपर बेचती है अपने, तो स्टाम्प प्रिंट करती है, क्वाइनेज सिक्के बनाती है, मेडल्स मिंट करती है, तो ये जो है फिस्कल सर्विसेज में कि आपकी करेंसी हो, स्टाम्प हो, क्वाइनेज हो, ये सारे कार्यों से भी गवर्नमेंट कुछ कुछ पैसे अर्न करती है। तो ये आपका एक तरह का नॉन टैक्स, मतलब टैक्स के अलावा वाले आपके रिसिप्ट्स हैं। उसके बाद जनरल सर्विस, जनरल सर्विसेज में क्या है कि गवर्नमेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन करती है, पावर प्लांट है गवर्नमेंट की तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन करती है, इरिगेशन करवाती है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, तो ढेर सारी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और उस सर्विसेज के अगेंस्ट में जो उसे प्राप्ति हो वो उसके जनरल सर्विसेज के अगेंस्ट में उसकी प्राप्ति या रिसिप्ट
कहलाती है। जैसे कि आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारे हमारे पावर यूनिट्स हैं जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, वाटर सप्लाई की जाती है, गैस सप्लाई किया जाता है, बैंकिंग सर्विसेज हमारी है, इंश्योरेंस सर्विसेज हमारी है। तो जो भी उससे गवर्नमेंट को मुनाफा या फायदा हो, दैट्स आर कॉल्ड नन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट। इसके अलावा छः नंबर आप पाँच पर पढ़ सकते हो कि फी, पेनाल्टी, बहुत सारे पेनाल्टी गवर्नमेंट फाइन काटती है, जो फाइन्स के रूप में आए, ये सारे भी आपके एक प्रकार के रिसीप्ट्स हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, जो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। और इसके बदले गवर्नमेंट को एक्चुअली कुछ देना भी नहीं है, तो ये आपके हमेशा रहेंगे रेवेन्यू रिसीप्ट्स में। उसके बाद ग्रांट, ग्रांट्स इन एड, कि भारत सरकार को जो ग्रांट्स इन एड मिले, तो ऑब्वियसली भारत सरकार, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो भारत को ग्रांट इन एड कौन देगा? हमेशा फॉरेन कंट्रियां देगी, हमेशा आपके वर्ल्ड के जो अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो देंगे, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो। तो ग्रांट जो मिल रहा है वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट से होगा, क्योंकि ग्रांट आपको कल भी बताया गया था कि ग्रांट के अगेंस्ट में फिर कुछ पे करना नहीं है, ग्रांट्स आपके अपने हो गए। तो ग्रांट्स जो होंगे वो ऑब्वियसली आपके रेवेन्यू रिसिप्ट में आएंगे, और जो नॉन टैक्सेज हैं। तो इस प्रकार आपके पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं नॉन टैक्स आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स पर। अब हम लोग देखेंगे इसमें कैपिटल रिसिप्ट्स में गवर्नमेंट के पास क्या क्या है। कैपिटल रिसिप्ट्स सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए, जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में नहीं है वो सारे कहां है? कैपिटल रिसिप्ट्स में। जो भी रिसिप्ट्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू में नहीं आएंगे वो कहां जाएंगे? कैपिटल में ही जाएंगे। तो कैपिटल रिसिप्ट्स कौन कौन से हैं वो देखा जाए। तो कैपिटल में जो पहला है वो है लोन रिकवरी, जो गवर्नमेंट लोन दी, कल हमने बताया था कि लोन का रीपेमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वैसे ही जो लोन सरकार दी, अगर वो लोन वापस आया तो वो कहाँ जाएगा आपका? वो एक प्रकार का रिसिप्ट हुआ, पैसे आपके पास वापस आ गए। कहाँ पे आए? कैपिटल में आएंगे, क्योंकि ये एक ही बार आया, ये दोबारा आने वाला नहीं है, ये रेगुलर तो होने वाला नहीं है। जिसको आपने लोन दिया वो उसने आपको लोन वापस कर दिया, दोबारा तो वो लोन देने वाला नहीं है। तो जब लोन नहीं दे रहा है तो ये रेगुलर नहीं रहेगा। तो लोन का रीपेमेंट अगर होता है, लोन की रिकवरी हो जाती है सरकार की, तो वो कहाँ जाएगा आपका? कैपिटल रिसिप्ट्स में। दूसरा है बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, एग्जाम्पल आपके डिफिनेशन में ही था कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, एक प्रकार से बोरोइंग है। जो भी कर्जे आप ले रहे हैं, अगर सरकार हमारी कर्ज ले रही है स्टेट से ले या फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले, तो जनरल केस में भारत सरकार अपने देश में कहां से कर्ज लेगी, कहां से लेती है कर्ज? भारत सरकार RBI से लेगी। अगर अपने इंटरनली बात करें तो भारत सरकार अगर कर्ज ले रही है तो किससे लेगी? RBI से लेगी या इंडियन बैंक से लेगी, कोई बैंक से ले सकती है भारत सरकार। कोई भी हमारा इंटरनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उससे लेगी। तो अगर इंटरनली भारत सरकार लोन ले रही है तो उसके पास ऑप्शन क्या क्या रहेंगे? RBI रहेंगे, इंडियन जितने बैंक्स हैं वो रह सकते हैं, या हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। लेकिन अगर बाहर से ले रही है, दूसरे कंट्री से ले रही है, तो वो किसी भी देश से ले सकती है। जब कर्ज ही लेना है तो वो किसी भी देश से कर्ज ले सकती है, और कर्ज देने के लिए जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, या अदर फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जितने प्रकार की भी बोरोइंग सरकार करेगी वो सारा आपका काउंट होगा जाकर कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इसके अलावा अदर्स, अदर्स में क्या क्या आएगा ये जानना जरूरी है। अदर्स रिसिप्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अदर्स रिसिप्ट ये है कि जब हमारी सरकार लॉन्ग टर्म लोन ले, जैसे कि हमारे सरकार के पास कर्मचारियों का PF जमा होता है, जो हर मंथ उसके सैलरी से कटता है और सरकार के एक अकाउंट में जमा होता है, जिसे गवर्नमेंट को आफ्टर रिटायरमेंट उस एम्प्लॉय को पे करना होता है। तो PF जो कट के जमा हो रहा है सरकारी खाते में,
उस पीएफ के अगेंस्ट में, पैसे के अगेंस्ट में, या उसी पीएफ को सरकार, भारत सरकार लोन के रूप में लेती है, लॉन्ग टर्म लोन। ध्यान देना है इसमें इस टर्म को कि ये जब भी होगा तो लॉन्ग टर्म लोन होगा। या मान लीजिए कि आपकी भारत, हमारी सरकार जो है वो समय समय पर लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए अपने बॉन्ड्स बेचती है बैंकों को, बैंकों को अपने बॉन्ड्स को बेचती है, या किसान पत्र, आपका आपका इंदिरा विकास पत्र, इस प्रकार के पत्र जो पोस्टल के द्वारा या बैंकों के द्वारा बिकते हैं, जो भारत सरकार के बॉन्ड्स हैं, मींस क्या है, वो बॉन्ड्स भारत सरकार बेचती है लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए या अन्य कारणों से। जब उस बॉन्ड को बेचती है और लॉन्ग टर्म है, मतलब 20 साल 25 साल 30 साल के लॉन्ग टर्म पे वो बॉन्ड खरीदाता है, और उतने दिनों के बाद वो बॉन्ड मैच्योर होगा और उसके बाद भारत सरकार को फिर उतना पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो जो कमाई भारत सरकार कर रही है लॉन्ग टर्म के लिए, बट आफ्टर दैट टाइम, यानी कि जब मैच्योर हो जाएगा उसका वो बॉन्ड पेपर, तो उसके बाद भारत सरकार को फिर रिपे करना पड़ेगा। तो ये कैपिटल रिसिप्ट का एक अच्छा एग्जाम्पल है, और वो भारत सरकार के सर पर एक लायबिलिटी भी है कि उसको पे करना है। और चूंकि लॉन्ग टर्म पैसा वो भारत सरकार के पास रहता है, तो उस पैसे से वो अपना कुछ इन्वेस्टमेंट भी टेम्पोरली करती है या कर्जे देती है, जो भी करती हो। तो वो जितने प्रकार के बॉन्ड्स को बेच के जो पैसा कमाई, वो जो कमाई है, वो जो रिसिप्ट है, वो आपका काउंट होता है जाके कैपिटल रिसिप्ट्स में। तो ये दो प्रकार के रिसिप्ट्स है, कल हमने पढ़ा एक्सपेंडिचर, आज हमने पढ़ा रिसिप्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा, कल जो होने वाला है, वो होगा अब बजट पर, कितने प्रकार के एक्सपेंडिचर हैं, इतने प्रकार के हमारे रिसिप्ट्स हैं, अब हमने जो गवर्नमेंट का बजट तैयार करना है, वो जब बजट तैयार होगा तो वो किस प्रकार का होगा और क्या क्या उसमें संभावनाएं हो सकती हैं। तो हमारे चैनल को देखते रहें, जुड़े रहें, आपको इस पर और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।